मैं ये कहना चाहूंगा आज विशेष रूप से, नॉलेज एक ऐसी नेमत दी ऊपर वाले ने हमें, जे पॉकेट का मनी आप बांट दो खड़े होके, थोड़ी देर बाद आपका बटुआ खाली हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन नॉलेज है, आप जाके बांट के शेयर करो, जितना है पूरा खाली कर दो, उसके बाद आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट, और ज्यादा गेन हो जाता है, और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो जो लोग ऐसा करते आए हैं, हमारे डॉक्टर हैनीमन से लेके डॉक्टर केंट सर, डॉक्टर सहगल सर, इन सब से सबने यही किया कि उन्होंने सीखा और सीखने के बाद नॉलेज को शेयर कर दिया, अपने तक नहीं रखा, ना ही कभी अपने ऊपर सितारे जड़े कि हमने ये किया। उन्होंने नॉलेज दिया, शेयर किया और बढ़ गए, और आज वो नहीं है लेकिन उनका नॉलेज के रूप में हमारे माइंड में है, वो हमारे लिए आज भी अलाइव है। पहली बार उन्होंने आज यहाँ अपना केस प्रेजेंट की करना है, लेकिन जितनी हेल्पफुल होके मुझे जितना कोऑपरेट करके उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। वेलकम मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। अशोक सर, थैंक्स फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू मी। इज चाइल्डिश एंड दूसरा ही हैज रिकंसाइल्ड टू फेट। इट इज ऑल्सो अ वेरी लोकेशियस रेमेडी। वेरी फ्यू पीपल नो दैट ये इतना लोकेशियस होता है ना, अफेक्शनेट, रिटर्न्स अफेक्शन, एफेबिलिटी में है, लाफिंग में है, चाइल्डिश बिहेवियर। व्हाई हैज इट रिकंसाइल्ड टू फेट? रिकॉन्सिलेशन मींस व्हेनेवर कोई अनबन हुई, हमने झगड़ा चलो सुलझा लिया। सो पोडोफाइलम ने किससे सुलझा लिया? अपने फेट से सुलझा लिया। वो अफेक्शनेट है, एफेबल है, फ्रेंडली नेचर का बंदा है, ओपन बंदा है। ही वॉन्ट्स कवरिंग ऑफ सोसाइटी, सॉरी फैमिली अराउंड हिम। फैमिली विल हेल्प हिम, फैमिली उसको कैरी करेगी। ही इज आस्किंग हिज वाइफ टू कैरी हिम, मुझे खुजाल दे, है ना, तुम जो करोगे मैं तुम्हारे पीछे हूं। वो कैरी कर रही है, वाइफ इज कैरिंग द हस्बैंड, बोथ इन लिटरल एंड दूसरे वे में। शी इज हेल्पिंग हिम आउट एंड ही इज आस्किंग मी ऑल्सो कि मुझे इस दर्द से निकालो। देर वॉज अ केस ऑफ अ चाइल्ड, ही वॉज इन हाई फीवर। आई आस्क द पेरेंट वॉट डज ही डू, तो वो बोलते नहीं ऐसे परेशान नहीं करता है, लेटा रहता है शांति से चुपचाप, पर बातें बहुत करता है ड्यूरिंग फीवर। सो दिस इज लोकेसिटी फीवर ड्यूरिंग, लोकेसिटी चिल हीट ड्यूरिंग आई थिंक, एंड क्वाइट डजेंट वॉन्ट एनीथिंग, नथिंग डिजायर्स करके ही वॉज गिवन पोडोफाइलम। सो इन एक्यूट कंडीशन पोडोफाइलम कैन बी गिवन अपार्ट फ्रॉम द अदर फैसेट विच इज वेरी वेल नोन, दैट इज ऑफ हार्मनी डिजायर। ओके, लेट अस सी द डीडी ऑफ द रेमेडी। Very close DD, you know, will come on cocculus. Cares and worries wala cocculus. Cocculus, again, is a plant remedy and lots of cares and worries jo podophyllum mein nahi hai. Podophyllum is an anxiety of family. But he will not care or worry about the family. Usko toh kuch padhi nahi hai. Indifferent hai wo. Usko khud ka dard manage karna hai. Dusron ki baad mein sochega. Hai na? Benevolence mein cocculus hai. Podophyllum is not there. Tranquility reconciled to fate, podophyllum is there, cocculus is not there. Fear events sudden from, suddenly kuch ho jata hai to cocculus gets very, you know, usko dhakka lagta hai. Podophyllum ko ye nahi hota hai, kuch bhi adverse situation aa jayegi, since podophyllum is detached, he will not be much affected by that condition. Koi bhi aisa incident dekh lenge, kisi ka death bhi hua, to ye wapas se theek ho jate hain. They are normal. And cocculus is in recognizing everything move but cannot catalepsy in, जो कि podophyllum में नहीं है. And there is no ailment from grief also in podophyllum, जो कि हमारी patient ने भी बोला था कि किसी की death भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, he is back on track, फटाफट अपने आप को संभाल लेते हैं. Harmony desire में podophyllum है, cocculus नहीं है. और delirium angry में cocculus है, podophyllum नहीं है. Podophyllum is never angry. There is not a single rubric of anger in podophyllum. Yes, it is irritable, but it is not angry. There is just one rubric, that is ailments from suppressed anger. Ailments from suppressed anger. It is irritable, but it is not angry. The second drug, जो कि हमारे group में और जो मेरे mind में भी लगातार चली थी, that was opium. You know, opium is a drug remedy. There are two states in opium. One is of hypersensitivity, hyper excitability, and the other is the state which is a dull state.
ओके, रैश होता है ओपियम, बोल्ड होता है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, हीडलेस, टोडेफाइलम इज केयरफुल. ओपियम है इज लायर, इट इज वन ऑफ अ रेमेडी विच इज इन लाई, है ना, इट इज डिसेप्टिव. पोडोफाइलम तो सच्चा बंदा है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, एंड ही ऑल्सो डिजायर्स टू हियर द ट्रूथ. सो यू नो वेन एवर वी आर स्टक इन सच सिचुएशन, ऑफन द हिस्ट्री फ्रॉम द फैमिली गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन, हाउ ही इज, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम सामने देख रहे हैं, वेन वी आर स्टक, तो वी कैन कम टू नो अबाउट दैट. ओके, देर इज अ ब्लिसफुल स्टे इन ओपियम. Opium lives in a fantasy land. He knows that I am in a fantasy land. This is not the real thing which is happening. And jab wo reality se samne aata hai na, opium is in escapism. There are many rubrics of escape desire in opium. Podophyllum is not an escapist. Podophyllum reconciles to fate. Okay, ye situation aayi hai. He will stand there. Opium is an escapist. The entire family of opium, ये escapist theme में जाते हैं, क्योंकि ये this is a drug remedy, you know, वो they are in a state of euphoria, कोई भी झटका आएगा, they will run away, okay? कुछ भी ऐसी situation आएगी, they are not very ready to face that, or they will face it by telling lies, got it? By deceiving. Opium is witty, podophyllum सीधा साधा आदमी, है ना. वर्म्यूलिन ने लिखा है ओपियम एक विटी पर्सन होता है. सो दिस इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट हाउ द पर्सन इज एज अ होल. ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डिजीज मेनी अ टाइम्स ओपियम बिकम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स डल, इट बिकम्स यू नो वेरी वेरी स्लीपी, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन डीडी इट. ओके, बट मोटे मोटे तौर पर हाउ टू डीडी ओपियम एंड पोडोफाइलम इज दिस. पोडोफाइलम बहुत ट्रूथफुल है, ओपियम इज अ लायर. And there is a single rubric of death, contempt of. Or opium बोलता है ठीक है क्या होगा, मरी जाएंगे. However, there is also lots of fear of death also in opium. And in podophyllum here, it is just having fear of that something will happen to me, something will happen to my family, again because of hypersensitivity. वो analyze नहीं कर पाता है कि आगे हो क्या रहा है. Another medicine which was coming today in the group was olive sac. Yes, olive sac is very very close to podophyllum. See, there are so many rubrics which are similar in olive sac and podophyllum. Olive sac is also a plant remedy, but it is of a greater evolutionary cadre as compared to podophyllum. Wo thoda jyada evolutionized plant hai, because plants keep on growing throughout their life. Okay. So both are there, both of them are in telling the truth, both of them are content, both of them are bad desire to remain in bed, jo hai jaisa hai waisa chalne do, self satisfied hai, tranquility reconciled to fate, which was one of the qualifying rubric in my case, is also there in olive sac. Let's see how will we differentiate this rubric, this drug with our medicine. See, olive sac is related to the spiritual awareness. These are the people who are having pure intentions. Always there is kuch na kuch ek baat rahegi which is joining them with some spirituality or with some religious nature. They are, you, while you talk to olive sac personality, you will feel that they are very mature and they will be having philosophical ability. Hai na? Childishness nahi rahegi. Self-reproaches may be aata because you know they want to follow a spiritual path, they are in religious affections. देखिए अगर इसमें olive sac होता तो वो ऐसे हमें बोल सकता था कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया है, जो करेगा अच्छा करेगा, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है. This might be the say of a olive sac personality कि भगवान ने मेरा हाथ थामा हुआ है, मैं उसकी छत्रछाया में हूँ. That much of faith is there. यहाँ पे person में मुझे ये चीज तो कहीं मिली नहीं. I didn't ask anything because I didn't want any kind of leading question. Okay, there is helplessness feeling of in olive sac, but podophyllum mein positivity olive sac mein bhi hai, but at one point olive sac also gets helpless and delusion. Nun she is, this is a single rubric of olive sac. Who is a nun? Nun is a lady who has been, you know, married to Jesus Christ.
तो वो और किसी दुनिया से उसको लेना देना नहीं है, उसका जो भी जीवन है भगवान की सेवा में ही निकलेगा. दिस इज अ डिल्यूजन विच इज कैरिड बाय ऑलिव सैक. ऑलिव सैक विल बी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ऑलिव सैक विल बी टुवर्ड्स रिलीजियस अफेक्शंस. ऑलिव सैक इज ऑल्सो इन ट्रूथ डिजायर टू स्टेट द ट्रूथ. So they will be, you know, following a path, and sometimes this path becomes very rigid. They have this routine. Olive sack might be a routinistic person ki bhagwan ke hisab se aisa 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 karega. Okay? So this was the reading on Podophyllum. Kindly mute. Thanks to all the honorable doctors for patiently attending this session, and I learned a lot while preparing for this session today. Everyone is my teacher, and I am, you know, learning a lot from everyone. Thank you, deep gratitude. If anyone has any doubt, you can please ask me. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज कुछ पूछने की जरूरत है, शीशे के जैसे क्लियर है सब कुछ. बहुत अच्छा डीडी किया आपने बाकी रेमेडी से, और ऑलिव सेक्स तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. आई होप नाउ आफ्टर आई गेव द एनालिसिस एंड आई यू नो नरेटेड द केस एंड एक्सप्लेन्ड इट, सबको समझ में आ गया कि व्हाई पोडोफाइलम इज देयर इन दिस केस. सी वी कैन सी पोडोफाइलम इन दिस शेड ऑल्सो. वो ऐसे भी हमारे पास आएगा. मुझे जल्दी ठीक करो डॉक्टर, चाइल्डिश होगा जो है वो बात हमें ऐसे बताएगा. एक्यूट कंडीशंस में भी पोडोफाइलम हमारे पास आए, अपार्ट फ्रॉम हार्मनी डिजायर एंड यू नो जो कि घर के लिए इतना सब करता है, दैट इज ऑल्सो देयर. आई एम नॉट डिनाइंग, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ थिंग. एंड इवन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई यूज पोडोफाइलम इन सच काइंड ऑफ अ केस, एंड इट गेव मी वेरी नाइस रिजल्ट्स. एंड कितना अच्छे से हमारी रेपर्टरी बता रही है पोडोफाइलम एज अ चाइल्डिश बिहेवियर. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने आज पोडोफाइलम, और बहुत ही अच्छा केस था. मैम ये डायबिटीज के लिए आपने एलएम पोटेंसी कंटिन्यू किया, तो वो सेम पोटेंसी में कितने टाइम तक कंटिन्यूस दिया, या फिर उसमें भी 0/1 से 2-3 वगैरह से इंक्रीज किया? यस यस, आई बिगेन विद 0/1 डेली ओडी उसको दिया था. पहले तो नॉर्मल 0/1 दिया था, देन आई गेव द डोज बाय प्लसिंग मेथड, प्लसिंग द पोटेंसी, एंड देन आई टुक हेल्प ऑफ 0/3 आल्सो इन दिस पेशेंट, एंड इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स फॉर हिज शुगर टू बी स्टेबलाइज्ड. बट वो ठीक हो गया. पहले फिजिकल प्लेन पे रिलीफ आया, पर शुगर फ्लक्चुएट हो रही थी. But then as the sugar levels came in a line, you know, तो उसके physical problems भी obviously now were, that loop is broken. We wanted that loop only to get to break down. तो फिर sugar level normal range पे आने के बाद stop किया कि continue किया LM potency में medicine? नहीं नहीं stop कर दिया. He was taking his usual diabetes का medicines. अच्छा, allopath उसके साथ वो चल रही था. वो ले रहा था. He didn't wish to, you know, stop his medicines. I said okay, so my purpose was ki uski fluctuations ko stop karna, jo wo itna rise ho raha tha, and that rising also was all due to the factors jo wo face kar raha tha. Okay, thank you ma'am. Yeah, thank you.
ओके थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी सर। मैडम मैडम ट्रांक्विलिटी रिकनसाइल टू फैट एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। ट्रैंक्विल होना मतलब एकदम सेरीन, शांत, ट्रैंक्विल, जैसे हम ट्रैंक्विल म्यूजिक लगाते हैं जब मेडिटेशन करते हैं तब, है ना। सो दिस इज द स्टेट इन विच अ पर्सन इज, ट्रैंक्विलिटी। मैं एकदम शांत हूँ। और कब हूँ, जबकि फेट, फेट इज किस्मत, जब किस्मत ने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन डाल दी जिसमें मैं शांत नहीं रह सकती, है ना सर। और रिकनसाइल करना मतलब किसी से अगर अनबन हो जाए और उसके साथ हम वापस से मिल जाएं, समझौता कर लें, तो ये वाला जो पेशेंट होता है ये एडवर्स कंडीशंस में भी समझौता कर लेता है अपनी किस्मत से, एक तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके माय डेस्टिनी हैज गिवन दिस, माय फेट हैज पुट मी इन दिस सिचुएशन, आई एम ओके विद इट। उसने रिकनसाइल कर लिया अपने फेट से और वो ट्रैंक्विल हो गया। Isn't it morbid? ऐसी सिचुएशन में कौन ट्रैंक्विल होता है सर? कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। हमारे जो कुछ मेडिसिन मैं देख रही थी ग्रुप में, नैट्रम्यूर, नक्सवामिका, साइलिशिया, ये लोग ट्रैंक्विल नहीं हो सकते हैं, ये लोग परसिवियरेंस में, एक बार जॉब नहीं मिली वो वापस ढूंढेंगे, वापस ढूंढेंगे, वापस ढूंढेंगे। ये भाई साहब तो बैठ गए, ट्रैंक्विल हो गए। दैट्स वाई सर इट इज मॉर्बिड। क्लियर सर? मनोज सर क्लियर? यस मैम, यस मैम, वेरी क्लियर, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक फॉर पेशेंट टू लिसनिंग। थैंक यू दीदी।